गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। अभी जो आपके मिड टर्म के एग्जाम्स शुरू हैं 10 तारीख के बाद से, 10 अक्टूबर के बाद से कभी भी आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो सकते हैं। जल्द ही डेट शीट भी आ जाएगी, तो जब डेट शीट आएगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल आज हम उर्दू का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से क्या पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का होगा आपका पेपर। ठीक है, वैसे तो आप सब जानते हैं कि आपको उर्दू की पूरी बुक क्लास 6 की पूरी सारी वीडियो, सारे चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि सारी वीडियोस इजीली आपको मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 22 और 23 सेशन यानी इसी सेशन का है ये क्वेश्चन पेपर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको टाइम दिया गया है कि भाई आपका पेपर 2.5 घंटे का होगा और 60 नंबर का होगा, यानी 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, पैटर्न बहुत कुछ यही रहने वाला है, तो इसी हिसाब से ही तैयारी कीजिएगा। आपकी बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जितने सिलेबस के चैप्टर मैंने आप लोग को बताए हैं कि फर्स्ट टर्म में इतने चैप्टर आपके आने वाले हैं, आप वही चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, तो देखिए यहाँ पहला सवाल आपको लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए हर्फों को क्या करना है, मिलाकर लिखना है। शीन, जीम और रे, तीनों को मिला के शजर करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, शीन, जीम और ऐसे करके रे, है ना। अब मैं सारे आपको लिख के नहीं बताऊंगी, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपको चीजों को मिला के लिखना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको हर्फों को मिलाना आ जाए। यानी पहला आपको पता चल गया कि एक सवाल आपका ऐसा आएगा जिसमें आपको हर्फ को मिलाकर लिखना है। तो कर सकते हैं आप ऐसी बे, सीन, ते और ये, है ना, बस ती। इसी तरह से सीन, ते, अलीफ, रे और बड़ी ये, सितारे। ठीक है, इसी तरह से देखिए, दाल, अलीफ, सीन, ते, अलीफ, नून, दास्तान। तो ये सब आपको क्या कर लेना है, मिला के लिख लेना है। अब आपको पता है कि कौन अपने बाद जोड़ता है, कौन अपने बाद नहीं जोड़ता है, ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, तो देखिए दूसरे सवाल में आपको क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए आपके लफ्जों को क्या करना है, लफ्ज के हर्फों को अलग अलग करना है। जैसे चे, अलेफ और टे, चार्ट लिखा है, तो इसे अब तीन इसमें क्या है, हर्फ है, कौन सा, एक है चे, दूसरा है अलीफ और तीसरा है टे। तो अब आपको ऐसे तोड़ के लिखना है, यानी इसको अलग अलग करना है। इसी तरह से हाजी, इसमें चार है अलेफ और फिर ऐसे करके जीम और फिर छोटी ये हाजी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबको तोड़ के लिखना। तो आपको पता चल गया दूसरा क्वेश्चन कैसा आने वाला है आपका, जिसमें आपको हर्फों को अलग अलग करके लिखना है। अब अगर हम बात करते हैं आपके तीसरे सवाल की, तो तीसरे सवाल में आपको क्या लिखना है, तस्वीर देखकर उनके नाम बताइए। ठीक है, तब आपको क्या करना है, इनके नाम बताना है। तो पहले तस्वीर में जो है ये क्या बनी हुई है, ये आपकी आरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, आरी। ठीक है, दूसरे में ये क्या है, चूड़ी। तीसरे में क्या है, चिड़िया। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से नाम लिख सकते हैं तस्वीर देखकर। आगे चलते हैं, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका तस्वीर देखकर नाम लिखिए भी आएगा। अब आप अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में आपको ना कुछ लफ्ज दिए गए हैं, कुछ हर्फ दिए गए हैं, उन हर्फों को क्या करना है, उनकी मदद से आपको बनाना। जैसे बे है, तो बे के साथ क्या लगेगा, सीन से या स्वाद, तो लगेगा सीन, बे और सीन, बस, है ना। अब यहाँ पे क्या लगेगा कि बे और रे हो जाए, तो क्या लगेगा, स्वाद, है ना, स्वाद, बे और रे, सब्र, है ना। अब ऐसे यहाँ पे शीन लगेगा कि स्वाद लगेगा कि सीन लगेगा, दाल और फिर रे है, तो इसमें क्या लगेगा बताइए जल्दी से। बिल्कुल ठीक, छोटा सीन लगेगा, है ना, तो यहाँ पे सीन लगा लीजिए। तो अब यहाँ पे इसमें क्या करना है आपको, मतलब यहाँ पे पहले इसमें बताना है कि क्या लगेगा और उसके बाद यहाँ पे मिला के लिखना है, वैसे बे और सीन, बस। ठीक है, या जैसे यहाँ पे हम लोग ने लिखा था, तो सीन, दाल और रे, है ना, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हे, रे और ते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़ौद, हजरत, है ना, तो हे, ज़ौद, रे और ते, हजरत। तो इस तरह से ये आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है, बना देना है। ठीक है, तो कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखिए। अब आप अपना नाम तो लिख ही सकते हैं, जो भी आपका नाम है अपना नाम यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उर्दू का पेपर है, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि उर्दू में ही नाम लिखे, इंग्लिश या हिंदी में ना लिखे। इसके बाद यहाँ लिखा है अपने वालिद साहब का नाम लिखिए, तो आप यहाँ पे अपने पापा का नाम भी लिख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद लिखा है अपनी वालिदा साहिबा का नाम लिखिए, यानी अपनी मम्मा का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये तीनों सवाल तो आपको खुद से ही करना पड़ेंगे। अगर आपको लिखना नहीं आता है नाम उर्दू में, तो आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, या मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं भी आपको उर्दू में लिख के बता दूंगी, ठीक है। तो जो भी नाम हो आप मुझे इंग्लिश में बता देंगे कि मैम ये नाम है, तो मैं आपको उर्दू में लिख के बता दूंगी। लेकिन अब क्योंकि जब आपके पास सैम्पल पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयार होके जाइए अच्छे से, कि ये ना हो कि हमें पता था फिर भी हम पेपर नहीं करके आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिसाल के मुताबिक पांच लफ्ज बनाइए। तो आपको क्या करना है, इनके पांच अल्फाज बनाना है, बस सब में क्या करना है, बीच में अलिफ लगा देना है और बन जाएगा। अब जैसे यहाँ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, नून अलिफ नून नान, है ना, नून के साथ अलिफ लग जाएगा तो नून अलिफ और पे नाप हो जाएगा, यहाँ ते अलिफ और नून हो जाएगा तो ये हो जाएगा तान, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अगर आप करेंगे ते अलिफ और पे हो जाएगा तो ताप, पे अलिफ और नून पान, तो इस तरह से ये आपको बना देना है। जैसे यहाँ देखिए इन्होंने बना के एक दिखा दिया है, बे अलिफ और ते बात, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है आगे, आपको आपके नुक्तों के मदद से आपको क्या बनाना है, लफ्ज बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी बना सकते हैं लफ्ज, बस लफ्ज सही होने चाहिए। जैसे आप अगर मैं यहाँ चाहूँ तो नून का नुक्ता लगा के इसे नाना कर दूँ, ठीक है। तो अब ये मत सोचिएगा कि मैम पता नहीं ये सही होगा या नहीं सही होगा, बस आपको लफ्ज ऐसा बनाना है जो बामानी हो, यानी जिसके कोई अर्थ निकल रहा हो, जिसका कोई मतलब मीनिंग हो, ठीक है। हम यहाँ नाना कर सकते हैं, है ना, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, नान कर सकते हैं, है ना, यहाँ हम बाप कर सकते हैं, ठीक है, या हम पानी कर सकते हैं, या नानी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको लगे अच्छा आप कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कर सकते हैं पापा, पे अलिफ पापा, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे, बस क्या है कि लफ्ज सही होने चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए मिसाल के मुताबिक तशदीद वाले हर्फ को सामने लिखना है, यानी जिस हर्फ पे तशदीद आ रही है उसको लिखना है। जैसे अब यहाँ सच्चा, सच्चा में चे पे आ रही है, जैसे जिद्दी में दाल पे आ रही है, इज्जत में रे और जे पे आ रही है ना, जन्नत में नून पे आ रही है, और ऐसे ही जब्बार में किस पे आ रही है, बे पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए हुए लफ्जों पर जरूरत के मुताबिक जेर जबर और पेश लगाना है। तो देखिए यहाँ क्या लगेगा, दाल नून जेर दिन, है ना, व जन व, और जे और नून जबर जन वजन, ठीक है। पे रे पेशपू रे जबर रा पूरा, नून जबर ना पुराना, ठीक है। बे और ते पेश बुत हो जाएगा, वा वाली जरा वाह हे, और दाल हिद वाहिद हो जाएगा, है ना। तो वैसे जजम पेश ये सब आप लगा सकते हैं। अब यहाँ लिखा है खुशखत लिखिए। खुशखत लिखिए का मतलब होता है कि बेटा एज इट इज आपको ये पूरा साफ साफ राइटिंग में लिखना है। क्या लिखना है, किसी जमाने में हिंदुस्तान में एक राजा राज करता था, वो बहुत रहम दिल था, उसके राज में प्रजा खुशहाल थी, सब लोग राजा की इज्जत करते थे। तो ये आपको अपनी कॉपी पे एज इट इज लिखना है, यानी इसमें कोई भी फेर बदल नहीं करनी है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है सेम आपको ऐसे ही उठा के अपनी कॉपी पे लिख लेना है। तो ये था आपका क्लास सिक्स का सैम्पल पेपर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ हर क्लास का मैं डालूंगी, खासतौर से उर्दू का तो ज़रूर डालूंगी, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी का अगर मौका लगेगा तो डाल दूंगी, अदरवाइज नहीं डालूंगी। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। चलिए आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।